औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जी बेटा, मैं आज आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल रीओपन हो रहे हैं, तो गेट रेडी फॉर दिस मिशन। इसके लिए एक हदीस में आपके लिए बयान करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। यानी इल्म हासिल करना हमारे लिए फ़र्ज़ करार दिया गया है, तो जितनी हम इसके लिए एफ़र्ट करेंगे तो उतना ही इस फील्ड में कामयाब हो सकेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है अबाउट साइंस। इसमें हमने टॉपिक डिस्कस करना है बुक पेज नंबर 42-43। ये रेलिवेंट है एनवायरनमेंट एंड फूड चेन्स। तो इसमें इस शीट के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू डैश इन दियर लीव्स। के प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, उनमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है लीव्स में जो सांस लेने में हेल्प करती है प्लांट्स को। पोर्स, स्टोमेटा, क्लोरोफिल, बोथ ए एंड बी। तो ये है स्टोमेटा, जिसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ब्रीद थ्रू स्टोमेटा इन दियर लीव्स। लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जिसके मौजूदगी में प्लांट जो हैं वो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं। नंबर टू स्टेटमेंट इज़, यू ब्रीथ आउट डैश। जब आप सांस ले बाहर को लेते हैं तो कौन सी गैस ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नन। तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर टू इज फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। फ्रॉम दियर फूड के तमाम लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन किस काम आती है कि जो फूड खाई होगी वो बर्न आउट होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नंबर टू स्टेटमेंट इज़, ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड वाटर टू हेल्प देम डाइजेस्ट फूड। ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स को पानी की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि जो वो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी पानी जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ह्यूमंस और एनिमल्स को। नंबर थ्री स्टेटमेंट इज़, द फर्स्ट लिविंग फॉर्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वर सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स यानी जब ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू हुई तो जो पहले लिविंग थिंग्स बनी उनमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, यानी सिर्फ एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म्स थे। नंबर फोर्थ इज़, द एनवायरनमेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स इज अर्थ। के
तमाम लिविंग क्रिएचर्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या ह्यूमंस हैं, तमाम का एनवायरनमेंट अर्थ है। थर्ड क्वेश्चन इज गिव शॉर्ट आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की हमने डेफिनेशन राइट करनी है। एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू इज योर एनवायरनमेंट। एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू इज योर एनवायरनमेंट, कि कोई भी चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है, तो वो आपका एनवायरनमेंट है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड। लिविंग थिंग्स को क्या कुछ चाहिए होता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एयर शेल्टर कुछ भी आप मज़ीद लिख सकते हैं। ठीक है, फूड में आ जाएगा फ्रूट्स वेजिटेबल, और शेल्टर जिसमें घर या ट्रीज वगैरह जिस पे बर्ड्स वगैरह रहते हों, और घर इंसानों के रहने के लिए, इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू प्लांट नीड वाटर। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है। फॉर केमिकल चेंज, टू ग्रो एंड टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स। के प्लांट्स को पानी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि डिफरेंट केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं प्लांट के अंदर, जैसे जो मिनरल्स हैं वो पानी में हल होती हैं, फिर वो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, फिर इन मिनरल्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, राइट, और ग्रोथ के लिए वाटर यूज़ होता है और फूड बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे प्लांट के अंदर फूड उसी प्रोसेस में बनेगी जब फोटोसेंसिस होगा, और उस प्रोसेस में भी वाटर की ज़रूरत होती है। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द गिवन वर्ड्स इन द वर्ड सर्च। ये एक टेबल शो किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर में एक टेबल शो किया गया है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं स्कैटर फॉर्म में, इनमें से हमने कुछ वर्ड्स को सर्च करना है।
सपोज हमारे पास जो गिवन वर्ड्स हैं वाटर, स्टोमेटा, ऑक्सीजन, तो मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया है वाटर, WATER वाटर. नेक्स्ट वन इज STOMATA स्टोमेटा, दिस वन, एंड OXYGEN ऑक्सीजन. तो इस तरह आप भी फाइंड करें गिवन टेबल में अपनी लेक्चर शीट में. ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर अबाउट साइंस. उम्मीद है आपको क्लियरली कंसेप्ट इसका समझ आ गया होगा और आप अपनी शीट को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं. चलते चलते मैं आपको अगेन रिमाइंड करवा दूं कि आपने अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़. जज़ाकल्लाह.